36 साल की साउथ एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म खुशी को लेकर के काफी सुर्खियां बटोर रही थी। खुशी फिल्म रिलीज होने के 7 दिन बाद ही बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है। खुशी के सक्सेस के बीच में समांथा को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो अब एक्टिंग को छोड़ करके समांथा रुथ प्रभु जल्द ही पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने वाली है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि एक्ट्रेस समांथा एक राजनीतिक पार्टी का दामन थाम सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो समांथा रुथ प्रभु ने हमेशा ही किसानों को लेकर के अपना समर्थन जताया है। वो तेलंगाना के लोगों और किसानों को सपोर्ट करती रहती हैं। इसी के साथ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि समांथा के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्रीय समिति का हिस्सा बन सकती हैं, यानी कि BRS का हिस्सा बन सकती हैं। हालांकि समांथा रुथ प्रभु या फिर राजनीतिक पार्टी की ओर से इससे जुड़ा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। बता दें कि एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने जुलाई के महीने में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी एक्टिंग से ब्रेक लेने का ऑफिशियली अनाउंस किया था। समांथा एक्टिंग से ब्रेक लेकर इन दिनों अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रही हैं। मालूम हो कि एक्ट्रेस कुछ समय पहले ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी का शिकार हुई थी, लेकिन पेंडिंग फिल्म और शूटिंग की वजह से कुछ ही दिनों में काम पर दोबारा वापस लौटना पड़ा। अब उनका काम निपटने के बाद एक्ट्रेस ने कुछ समय के लिए एक्टिंग और फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला लिया है। इस बीच में राजनीतिक पार्टी के साथ हाथ मिलाने का ये मामला सामने आ रहा है। अब देखना ये है कि क्या समांथा सच में इन कयासों पर सही टिकती हैं, क्या सच में समांथा रुथ प्रभु राजनीतिक पार्टी की ओर आगे बढ़ती हैं, क्या समांथा अब एक्टिंग को छोड़ करके किसानों और लोगों की हित के बारे में अपनी आवाज़ उठाएंगी।